राजधानी के चोमू कस्बे में आज शाम आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल की सभा को स्थगित कर दिया गया। जी आपको बता दूं कि चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि प्रशासन की ओर से हनुमान बेनीवाल के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए अनुमति नहीं दी गई और इसी के चलते चोमू की प्रस्तावित सभा को अब स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा विधायक शर्मा ने सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगा दिया। हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया और शर्मा ने कहा कि जब राहुल गांधी और सीएम के हेलीकॉप्टर को अनुमति मिल सकती है तो सभा से 5 किलोमीटर दूर बेनीवाल के हेलीकॉप्टर को अनुमति आखिर सरकार ने क्यों नहीं दी। और इन लोकसभा के चुनावों के अंदर निर्वाचन में लगे हुए सारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सरकार के द्वारा इनको प्रभावित किया जा रहा है और जिस तरीके से हमने 2 रोज पहले ही प्रशासन को अवगत करा दिया था कि और प्रोग्राम भी हमने प्रशासन को भेज दिया था कि हमारा ये कार्यक्रम हनुमान बेनीवाल जी की सभा है, लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि 4 बजे से लेकर सायंकालीन 7 बजे तक हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की सभा के लिए हमने अनुमति दे रखी है, इसलिए हम अनुमति नहीं देने में असमर्थ हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि राहुल गांधी जी की सभा 5 किलोमीटर दूर है जो हवीर हनुमान जी मार्ग के ऊपर है और हम हेलीकॉप्टर की अनुमति मांग रहे हैं रेलवे स्टेशन के ग्राउंड के ऊपर जो पहले से ही हेलीपैड बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहकर कि हमारे पास प्रशासनिक फोर्स इतनी नहीं है कि हम 2 जगह व्यवस्था कर पाए। और इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि प्रशासन पूर्ण रूप से सरकार के दबाव में है और वो नहीं चाहता कि यहाँ पर भारतीय